है माशाल्लाह से। आकाश को रही खुद खैरियत जानते हो बखैरी रईस बखैर। एक जगह स्टॉप लिए हम लोगों ने, बाहर पता नहीं धरना चल रहा है क्या चल रहा है, यहाँ खाना दे रहे हैं लोगों को। आए थे एक जगह पे रुके हुए, दो दोस्त भी है साथ हमारे और रोड शेक करो ईरान का माशाल्लाह। खाना वगैरह भी खा लिया, अभी आके जा आगे जा रहे हैं वहाँ पर, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी है। यहाँ का ज्यारत वगैरह कर लिया है, अभी जा रहे हैं बस की तरफ, बाकी काफले वाले पीछे हैं। और माशाल्लाह ये ईरान है। माशाल्लाह सुबह इस गर्मी में बारिश हो रही है, सब्जी रूप में बारिश हो रही है। मोबाइल में चार्ज वगैरह खत्म हो गया है। कहाँ जा रहे हैं यार? मैं मोबाइल चार्ज लगाने पे लगा रहता, कुछ भी नहीं पता है। नहीं ऊपर क्या है, इधर गोदाम है, गोदाम में इधर कैमरा भी लगा हुआ है, कैमरे की आंख देख रही है। यहाँ पर हम लोग रुके थे नमाज के लिए, सामने हमारी बस खड़ी है और ये रोड है ईरान का। और यहाँ पर अरबियों को मज़ा आया हुआ है हमारे बातें, ये लड़का यहाँ पर बात कर रहा है, इन लोगों को मज़ा आ गया है। The next day. अभी हम लोगों ने नमाज के लिए छोटा सा ब्रेक लिया, ये मस्जिद है। गाइस पहुँच चुके हैं जगाले बॉर्डर पर, तो हमारे ईरान का एग्जिट हो गया, अभी इराक का एंटर रहता है, डायरेक्ट इराक के अंदर एंटर होके आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं इराक का एंट्री लगाने के लिए, सामने वो मतलब 1 किलोमीटर का रास्ता है शायद, मैं भी दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ,
ये दस्ते करवाने वाली है सर का काफला है छोटा सा था मुनव्वर भाई क्या कह रहे थे आप यार हम लोग डिग्री क्वार्टर पे बैठे हुए अभी 5-6 घंटे हो रहे माशाल्लाह इंशाल्लाह 5-6 घंटे और भी इधर ये बहुत रश लगा हुआ है आप दिखा दे वाह सारा मंजर दिखा के बहुत रश है भाई लोग सब इंतजार में बैठे हुए बस अभी देखे क्या होता है बस सब दुआ करो हम लोगों के लिए किधर से निकले हम लोग फिर करबला में हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे आपके उर्दू की वजह से आप पहुंच तो गाइस बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं तो गाइस ये था आज का हमारा ब्लॉग मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़